तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे यूजर कमेंट लगातार कुछ इस तरीके की कर रहे थे कि WhatsApp नंबर उनका ओपन हुआ उसके बाद फिर से बैन हो गया, या कुछ लोगों के ये कमेंट्स थे कि जब WhatsApp खुल जाना चाहिए तो उसे कैसे सावधानी से यूज करना चाहिए कि वो दोबारा से बैन ना हो। तो इसी तरीके के कुछ आज क्वेरी से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि WhatsApp नंबर अगर आपका बार बार बैन हो रहा है तो उसे कैसे आप जो है ना स्टेबल कर सकते हैं, यानी कि अनबैन, परमानेंटली अनबैन कर सकते हैं कि बार बार वाली आपको दिक्कत ना आए। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपका WhatsApp नंबर खुले उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए जिससे आपका नंबर बार बार बैन हो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दो चार पाँच स्टेप्स आपको यहाँ से बताऊँगा जो अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप नॉर्मली WhatsApp यूज़ कर पाओगे, आपको इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम आपके लिए WhatsApp से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नंबर एक पे आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आपका नंबर ओपन हो जाए तो आपको किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आपका जिस भी है, अब आपका नंबर किस वजह से बैन हुआ था ये आपको डेफिनेटली पता होगा, है ना, तो वो चीज़ आपको नहीं रिपीट करनी। जैसे कुछ लोगों का नंबर ग्रुप में ज़्यादा मेंबर्स को ऐड करने की वजह से हो गया तो उनको वो चीज़ एक्टिविटी नहीं करनी है, यानी जो एक्टिविटी की वजह से आपका नंबर बैन हो गया था वो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको बता के चलना चाहूँगा कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं ना अपने बच्चों की, यानी कि जैसे कि छोटा बच्चा है कोई, उसकी फ़ोटोज़ दाएं बाएं शेयर करते हैं उसके बर्थडे में, तो ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चे ने कपड़े नहीं पहने हैं और आप उसकी फ़ोटो उठा करके दाएं बाएं शेयर कर दोगे आपका नंबर बैन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत निकल के आती है, उन्हें यही नहीं पता होता कि उनका नंबर जो है किस लिए बैन हो गया। ठीक है, तो वो एक्टिविटी आपको रिपीट नहीं करनी है जिस एक्टिविटी की वजह से आपका नंबर पहले बैन हो गया था। इवन बहुत सारे लोगों का नंबर प्रमोशनल मैसेज भेजने की वजह से हो गया था, जैसे उनको लीड्स आती हैं और सेम मैसेज वो सबको रिप्लाई करते थे, तो आपको नॉर्मली दो चार पाँच दिन एक हफ्ते तक नॉर्मल तरीके से आपको WhatsApp चलाना है, आपको कोई ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का जो नंबर है वो बार बार बैन हो जाता है और रिक्वेस्ट एरी भी वो आता है उस पर क्लिक करते हैं और नॉर्मली ओपन हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके नंबर पर बार बार रिक्वेस्ट रिव्यू आ रहा है, बार बार आपका नंबर आपके WhatsApp पर लेकर के आ रहा है दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज WhatsApp ड्यू टू स्पैम, तो आपको एक काम करना है। पहली चीज़ तो आपको जैसे ही नंबर आपका रिस्टोर हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो आपको WhatsApp को लगभग 2 से 3 दिन के लिए नॉर्मली छोड़ देना चाहिए। दूसरा काम आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको अपने डिवाइस को एक बार रीसेट कर लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा काम ये करना है कि आपका जो बैकअप है वो आपने, जैसे कि ईमेल आईडी पे आपने बैकअप लिया, आपने जैसे ही ईमेल आईडी, कई बार क्या होता है ना कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी जो हमारे WhatsApp पे हो जाती हैं और वो डेटा, जैसे मैं आपसे बात करूं, एडल्ट ग्रुप में बहुत सारे लोग फाइंड हो जाते हैं कि WhatsApp पे वो चला रहे थे और वो चीज़ उनकी जाकर के जीमेल पे सेव हो जाती है। ठीक है, बात समझिएगा, एडल्ट इमेज हो गई, एडल्ट वीडियोस हो गए, वो चीज़ें जाकर के जीमेल पर सेव हो गई और अचानक से उन्होंने जब भी बैकअप लिया तो वो जीमेल का बैकअप उन्होंने फिर से ले लिया और वो चीज़ें फिर से रिस्टोर हो गई चैट्स पे, तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे में फिर से आपका WhatsApp बैन हो जाता है। तो करना आपको ये है कि अगर आपका जीमेल लगाने पे या किसी वजह से रिव्यू बार बार आ रहा है तो आपको नॉर्मली जीमेल को वहाँ से हटा देना चाहिए या एक फ्रेश जीमेल आईडी को लगा करके WhatsApp को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हमारा बैकअप डिलीट हो गया तो क्या करूँ, तो दोस्तों आप में से उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा WhatsApp पर जो बैकअप है उसको डेली लिमिट पर सेट करके रखना चाहिए कि एक दिन जैसे ही कंप्लीट हो तो आपका WhatsApp जो है वो क्या करता है, डेली का जो बैकअप है वो ले लेता है। आप लोग करते क्या है, उसको मंथली पर सेट करके रखते हैं या वीकली पे सेट करके रखते हैं और एक वीक तक का डेटा WhatsApp छोड़ के चलता है। जैसे कि मान लीजिए लास्ट महीने की 1 तारीख तक WhatsApp ने पिछले सारे दिनों का डेटा का बैकअप ले लिया, अगली 1 तारीख को इस महीने का लेगा, तो आपको इस 1 महीने का बैकअप नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी बैकअप लगाएं तो डेली लिमिट पे सेट करें। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि बैकअप कैसे लगाते हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि आपके लिए तो मैं वीडियोज लेकर के आता रहता हूं यार। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि कैसे यूज करूं कि दोबारा बैन ना हो, तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखिएगा कि WhatsApp पर जब भी आपको बैन किया जाता है तो उसका एक सॉलिड रीज़न रहता है कि आपके नंबर पर या तो रिपोर्ट होती है या आपके नंबर को ब्लॉक मारा जाता है।
और कई केसेस में क्या होता है कि नंबर पे आपने बहुत सारे मैसेज भेज डाले, तो ये एक्टिविटी भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी होती है कि आप बेवजह लोगों को प्रमोशनल मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं, तो इसमें भी है। तो ये चीज़ें होल्ड करके रखिएगा आपका नंबर। और एक चीज़ और बोलूँगा कि जो तो आप लोग है ना 50-50 ग्रुप में ऐड रहते हो और आपको ये हाल खबर नहीं रहता है कि किस ग्रुप में क्या आ रहा है, ऐसे ग्रुप में रहिए जिन ग्रुप्स में कोई भी उल्टा सीधा कंटेंट नहीं आता। अब आप बोलोगे उल्टे सीधे कंटेंट में एडल्ट वीडियोस तो नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, शेयर मार्केट में ये ट्रेडिंग से रिलेटेड फेक ऐप, या कभी कभी मैंने देखा है कि ग्रुप्स में अपना धड़ाम से गैम्बलिंग वाले लिंक्स आ रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें अगर आपके ग्रुप में पाई जाती हैं और कहीं ना कहीं वो मीडिया आपका डाउनलोड होता रहता है आपके व्हाट्सएप के जीमेल पर, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ ऐसे ग्रुप में रहना चाहिए जिन ग्रुप्स को आप ठीक तरीके से पता, आपको पता है कि इनमें इनवैलिड एक्टिविटी नहीं होती है, तो आप नॉर्मली उनको चलाइए, ठीक है। और आप बेसिकली ज़्यादा झमेले मत पड़िए, नॉर्मल ग्रुप में रहिए। ज़्यादा ग्रुप में ऐड होऊंगा, ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजूंगा और ज़्यादा चले मतलब है ना कि आप लोगों के दिमाग में रहता है बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप केवल ऐसे ग्रुप में रहिए या तो खुद के ग्रुप बनाइए जिन्हें एडमिन मोड पे छोड़िए और एडमिन में आप सिर्फ ही एडमिन हो, है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा और आप नॉर्मल यूज करिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे बताना चाहूँगा बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप अनबैन हो जाता है, उसके बाद OTP नहीं आती है। अब OTP की समस्या के लिए मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप आपका जैसे ही खुलता है तो आपको सिंपल से क्या करना है कि नॉर्मली अगर एक बार OTP नहीं आती है तो आपको बार बार OTP की रिक्वेस्ट नहीं डालनी है। OTP का जो पेज होता है उस पेज पर खुद को थोड़ी देर होल्ड करना है ना। होता क्या कि नहीं व्हाट्सएप खुला, एक्साइटमेंट जागा, एक बार नहीं 5-6 बार OTP की रिक्वेस्ट डाल दी और सर्वर ने क्या किया आपके OTP जाम कर दी। अब आप परेशान हैं, अभी तक अनबैन वाली समस्या से जूझ रहे थे, अब OTP वाली समस्या से जूझ रहे हैं, तो दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। व्हाट्सएप डेली की आपकी ज़िंदगी में शामिल है, इसको इसके हिसाब से चलाइए। अपने हिसाब से व्हाट्सएप को चलाने की कोशिश मत करिए, अगर आप अपने हिसाब से व्हाट्सएप को चलाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों व्हाट्सएप आपको आपके नंबर को सस्पेंड कर देगा और आपको आप कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि व्हाट्सएप एक कंपनी जो है ना ये आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए, है ना। तो आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए, मैंने कई बार वीडियोस में बताया है, उनको देखिए, नॉर्मली यूज़ करिए आप दोस्तों एक लॉन्ग टर्म पर व्हाट्सएप यूज़ पर आएंगे। और भी किसी तरीके की कोई अपडेट निकल के आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपके लिए डेफिनेटली वो वीडियोस बना करके ज़रूर डालूंगा। और फिलहाल बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।